कब कब कहाँ और कैसे कैसे काम आता है एक बहुत ही खूबसूरत वाकया बड़ा ईमान अफरोज वाकया जो मैं आपके सामने पेश करता हूं दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त को कर्ज दिया और जब उसने कर्ज दिया तो कर्ज एक बड़ी अमाउंट थी तीन हजार दिनार वो टाइम आ गया जब उस टाइम वो कर्ज लेने के लिए अपने दोस्त के पास गया कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो तो उसने कहा कि पैसे तो नहीं है मेरे पास मैं कोलेप्स हो गया हूं बिजनेस अब मेरा खत्म हो गया है मैं तुम्हारी रकम नहीं दे सकता उसने एक और टाइम दे दिया उसे कि ठीक है अब इतने वक्त दिनों के बाद में दे दूंगा वो टाइम भी गुजर गया और जब वो टाइम भी गुजर गया तो उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि अब तो पैसे दे दो भाई मेरा टाइम पूरा हो गया है फिर ना दे सका टाइम आखिरकार मामला जो है वो कोर्ट में चला गया काजी के पास चला गया अब काजी ने जिसको पैसे देने थे उसको बुलाया और कहा कि भाई आपको इसके पैसे देने हैं तो है हाँ पैसे तो देने हैं तो कहा फिर देते क्यों नहीं हो कहा पैसे हैं ही नहीं कारोबार ही खत्म हो गया है कर्जा तो लिया था अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है तो कहा अच्छा अब ये बताओ कि कब दोगे कैसे दोगे उसने कहा बस मेरे पास पैसे ही नहीं है तो कहा अब तुम्हारे पास तीस दिन का टाइम है थर्टी डेज में या तो इसके पैसे लौटा दो या तीस दिन के बाद तुम्हें कैद कर दिया जाएगा यह शख्स अब घर आया पैसे तो थे नहीं मगर शायद उलमा ने लिखा किताबों में यह बाया कई बड़ी बड़ी किताबों में लिखा और दरूद पाक के फजाइल की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा और उस शख्स ने सोचा कि उसने एक हतीसे पाक पढ़ी हुई थी कि जिसमें नबी यह पाक अली सलातम ने फरमाया है जिसका मजमून है कि जो शख्स परेशान हो मुसीबत जदा हो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े क्योंकि दुरूद पढ़ना मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है अब उस आशिक के ने सोचा और तो कुछ है नहीं अब मैं दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता हूं सुबह से लेकर शाम तक वो दुरूद पाक पढ़ने लग गया सत्ताईस दिन गुजर गए ओनली थ्री डेज लेफ्ट तीन दिन बाकी थे काजी के पास जाने में सत्ताईस दिन गुजर गए दुरूद पढ़ते पढ़ते जब अट्ठाईसवीं रात आई तो आंखें तो बंद हुई मगर ख्वाब में उसे एक आवाज आई घबराओ नहीं तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा सुबह उठता है दुरूद पाक पढ़ रहा है मगर कहता है ये आवाज से तो मसला हल नहीं होगा पैगाम क्या है उसे समझ ना आया 28वां दिन गुजर गया उनतीसवीं रात आ गई मगर अब आंखें बंद हुई और किस्मत जाग उठी नबी पाक साहिब वसल्लम खाब में तशरीफ लाए और प्यारे आका ताला ने फरमाया घबराओ नहीं अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा अब ये आशिक रसूल सुबह उठा तो वेरी फ्रेश हाश बशशाश के अब तो काम हो गया नबी पाक ने ख्वाब में आकर बशारत दी है मगर फिर जहन में सवाल आया कि अली बिन ईसा के पास जाऊंगा तो सबूत क्या है प्रूफ क्या होगा मैं जाकर उसको कहूंगा कि मेरा कर्जा दे दो तो ऐसे तो कर्जा नहीं दे देना और मैंने उसको कहा कि मुझे नबी पाक ने खाब में कहा है और उसने अगर मुझसे कोई निशानी मांगी तो मैं निशानी क्या दूंगा आखिरी दिन था उनतीसवा दिन था वो भी दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया थर्टीथ नाइट आ गई सुबह वो दिन है जब अदालत में जाना है अब इसरा फिर नबी ये पाक अलीसलातलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और आका अली सलातम ने फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा देगाजूर चला तो जाऊंगा लेकिन अगर वजीर ने मुझसे कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब दूंगा प्यारे आका अली सलातलाम ने कमाल का इरशाद फरमाया कि अली बिन ईसा से कहना कि तुम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पांच हजार बार दरूद पाक पढ़ते हो ये राज फकत तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है अब ये जब सुबह उठा तो एक निशानी भी मिल चुकी थी अदालत में जाने से पहले वजीर के दरबार में पहुंच गया उसे यह डर था कि आज पैसे ना लौटाए तो सजा हो सकती है जब वजीर के दरबार में पहुंचा तो वजीर अपने मुशीरों के साथ बैठा था क्या मुझे आपसे बात करनी है क्या बताओ क्या बात करनी है क्या मैं एक पैगाम लाया हूं आपके लिए अच्छा किसका पैगाम लाए हो कहा मैं नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला तला वसलम का पैगाम लाया हूँ वो आशिक रसूल वजीर था कहता बताओ मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है कहा हजूर मैं तीन हज़ार दीनार का मकरूज हूँ आज आखिरी दिन है और मेरे आका ने मुझे बशारत दी है कि आपसे कहूँ कि आप मेरा कर्ज अदा कर दीजिए अली भीसा कहता है कोई सबूत है आपके पास है कोई दलील भी है आपके पास मैं कैसे मान लू कि आपको नबी पाक अली वसलाम ने भेजा है के रसूल कहता है खाली हाथ नहीं आया मेरे आका ने मुझे दलील भी अता फरमाई है मुझे एक एविडेंस भी दिया है और प्रूफ यह है हुजूर कि आप रोजाना सुबह फजर की दमाश के बाद नबी पाक सल्ला वसलम की बारगाह में दरुद सलाम का नजराना पेश करते हैं जब तक पांच हजार का अदत पूरा नहीं होता आप उस वक्त तक किसी और से बात नहीं करते और ए वजीर साहब ये रात सिर्फ आपको पता है और आपका रब जानता है अल्लाह अकबर वो वजीर तो जिसको कहे ना झूम उठा ऐसा आशिक रसूल वजीर था जो रोजाना सुबह पांच हजार रूद पड़ता हो उसकी तो ईद हो गई ना वो कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह मेरे आका ने मेरे درود कबूल कर लिए इससे बढ़कर मेरे लिए शहादत क्या होगी अब ये वजीर अपने सीट से उठता है अपने कमरे में जाता है थोड़ी देर बाद वापस आकर उस आशिक रसूल के हाथ में तीन हजार दिनार रख कर कहता है हजूर पहले तीन हजार दिनार तो नबी पाक का हुक्म की मैं अदब से बजा लाता हूँ मेरे आका ने जो हुक्म फरमाया ये तीन हजार दीनार आपको पेश करता हूँ हजूर एक और तीन हजार दीनार लीजिए मेरे घर आप आए इतनी अच्छी खबर सुनाई आपने कदम रंजा फरमाया ये तीन उसका नजराना है और ऐसा कीजिए तीन हजार और लीजिए इससे अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा काम शुरू कीजिए और एक वादा करके जाइए आज के बाद जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े मैं आपका भाई हूं मुझे यह खिदमत का मौका दीजिएगा अल्लाह अकबर वो मकरूज जो एक रात पहले तीन हजार दीदार का मकरूज था हो सकता है उसके बैक ऑफ माइंड यह भी चल रहा हो कि अब शायद कल मैंने जेल में जाकर अदालत में जाकर गिरफ्तारी देकर जेल में जाना है मगर अब 9000 हजार दिनार हाथ में है आशिक रसूल झूमता हुआ नबी ये पाक की याद में घूमता हुआ अब अदालत में पहुंचा अदालत में एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देर कि आज इसने आना है और आकर कहना यही है कि पैसे तो नहीं है गिरफ्तार कर लो मगर जाकर इस आशिक रसूल ने तीन हजार जज साहब के हाथ में रख दिए काजी कहता है पहले तो ये बताओ पैसे दर से तुम तो कहते थे गरीब हो तुम तो कहते थे कारोबार नहीं है एक महीने में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो गया सुबह ने गोया हाल से यह कहा होगा कि यह तो तो है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात, बात नहीं बात इतना बात दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं उसने वो पूरा वाकया भरी अदालत में सुना दिया अल्लाह अकबर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा सोचो पहले जमाने में कैसे आशिकाने रसूल हुआ करते थे वो जज वो काजी भी कैसा सरकार अली सरात सलाम का आशिक था अपने अपनी सीट से उठता है भरे दरबार में भरी अदालत में वो अपने चैम्बर में अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके हाथ में भी तीन हजार दीनार हैं और वो तीन हजार दीनार जो है वो उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सवाब अली बिन ईसा कैसे ले जाए मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूं मैं तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं अच्छा अब एक और अजीब सिनेरियो ये बन गया कि जिसने केस किया था जिसने दावा किया था वो भी यह सारा मंजर देख रहा था कहता है जज जरा रुकिए, मैं भी अपने आका का उमती हूं और एक काम कीजिए कलम कागज रसूल का कर्जा ही मैं माफ कर देता हूं अच्छा अब आशिक रसूल ने वो वापस तीन हजार दिनार जो जज साहब ने दिए थे वो वापस जज साहब को दिए कि हुजूर ये पैसे आप ही रख लें, कर्जा ही माफ हो गया अब आपके पैसे का मैंने क्या करना है जज साहब कहते हैं जो पैसे नबी ये पाक के नाम पर निकाले हैं अब मुझे वापस नहीं चाहिए ये भी तुम अपने साथ ले जाओ अल्लाह अकबर मेरे बीचे इस्लामी भाइयों वो आशिक रसूल एक रात पहले तीन हजार दीनार का मकरूज है अब बारह हजार दीनार लेकर घर को वापस जा रहा है इस एक वाक्य के अंदर जो हम सब के लिए दर्श है जो हम सब के लिए पैगाम है शायर लिखते हैं ना दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो जो हाजरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो कोई कर्जे में डूब गया हो किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है लोग बहुत सारे वजायफ पूछते रहते हैं बहुत सारे जनाब वजायफ के बारे में मालूम करते रहते हैं सच्ची बात यह है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद हर दर्द की दवा है अला मोहम्मद तावीज हर बला है अला मोहम्मद तो खुदारा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए और आप बिलीव करें जब आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं आपकी सेहत अच्छी हो रही है आपके कर्जे उतरने शुरू हो गए हैं रोजगार में आपके बरकत होना शुरू हो जाएगी